यहां भी आ गए। मैं तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मगर तुम समझते क्यों नहीं? मैं यहां समझने नहीं आया, तुम्हें समझाने आया।
बाबू साहब, चलिए। तुम बाबू साहब कहाँ जाना है आपको? बिली कोठी। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ, चलिए चलिए चलिए। सुना, यहाँ से पीली कोठी कितनी दूर है? बहुत दूर है आनंद बाबू। हम कौन? मैं कोठी का ड्राइवर हूँ आनंद बाबू, मेरा नाम साबू है। कोठी में एक ही जीप गाड़ी है, अचानक खराब हो गई, इसलिए मुझे आपके लिए ये गाड़ी लानी पड़ी। चलिए। आपके दो दो तार मिले? हाँ, वो दूसरा मैंने इसलिए भेजा था कि मुझे रास्ते में कहीं रुकना पड़ा। आनंद बाबू, आपको तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन मजबूरी है। बाबू, आज किसी न किसी की मौत जरूर होने वाली है। से मेरी शादी होने वाली है, और ये तुम सुन के हैरान होंगे कि मैं सीमा से आज तक नहीं मिला। हम दोनों के मां बाप ने ये शादी तय की थी, और वो आजकल भगवान के प्यारे हो गए। कुछ ही दिन पहले मैं लंदन से लौटा, मुझे अचानक सीमा का तार मिला कि उसकी जान खतरे में है, कोई उसे जान से मार डालना चाहता है। क्या तुम बता सकते हो कि कोई सीमा देवी की जान क्यों लेना चाहता है? ये पहली बरसों से चली आ रही है। पीली कोठी खरीदने के कुछ दिनों के बाद मालिक को किसी ने खत्म कर दिया। उस वक्त से आज तक सीमा देवी की जिंदगी पर कई हमले हुए। और हाँ साबू बोलो। कुछ दिन पहले जब सीमा देवी जिप में बैठ कर सैर करने जा रही थी, अचानक उन्हें मालूम पड़ा कि गाड़ी में ब्रेक ही नहीं। उन्होंने गाड़ी रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन गाड़ी उलट गई। उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन क्या हुआ? उनके पांव हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो गए। कुछ ही दिन पहले शहर से उनकी एक सहेली उनका दिल बहलाने के लिए आई। क्या नाम है उसका? संध्या। बड़ी शोक, चंचल और जिंदगी से लापरवाह लड़की। वो भी उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं ला सकती। वो उसी तरह उदास अपनी कोठी में दो पहियों वाली कुर्सी पर बैठी इधर से उधर घूमती रहती है, जैसे मौत उनका पीछा कर रहा है। आनंद बाबू, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, पागल है पागल। अभी देखता हूँ। पहिए का कील गिर गया, सोचा था रात होने के पहले ही पहुंच जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। आप चाहें तो थोड़ी देर घूमें। Thank you.
इंतजार किया रहे, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मैं फैसला करने आया हूँ। फैसला हो चुका, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। नहीं नहीं नहीं। इसलिए कि तुम एक जागीरदार की लड़की हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ और इस जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी को ही खत्म किए देता हूँ। क्या बात है? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। तुमने वो कॉटेज देखा है? वहाँ अभी अभी एक नौजवान ने खूबसूरत लड़की को कत्ल कर दिया, यही ना? हाँ। और जब पहली बार तुमने उस लड़की को देखा था तो वो पियानो बजा रही थी। हाँ। और दरवाजा बंद था, तुमने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला, और तुम्हारे देखते देखते उस नौजवान ने उस लड़की के सीने में खंजर उतार दिया और वो लड़की चिल्ला के कह रही थी कि लेकिन तुम भी उसे नहीं बचा सके। आनंद बाबू, बहुतों ने ये देखा है लेकिन आज तक उस लड़की को बचा नहीं सके। खैर इन बातों को जाने दीजिए, देर हो रही है। चलिए जल्दी आई आई करके आएंगे और कोई वापस नहीं जाएगा। चीज जैसे मुझे यहां से वापस लौट जाने पर मजबूर कर रही है। कितनी खूबसूरत है ये हवेली। ये हवेली नहीं है साहब, ये तो एक पहेली है जिसमें आप भी साहब आन के फंस गया है। साहब इस हवेली में जो एक बार आता है नहीं साहब वापस नहीं जाता, मेरा मतलब है साहब वो इधर ही रह जाता है।
सीमा देवी कहाँ है? मैं पूछता हूँ कि घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? क्या अच्छी सूरत को देखना जरूर? मुझे मालूम है, तुम सब लोग मुझे मार आना चाहते हो। मैं तुम सबका खून कर दूंगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, घबराइए मत। अनिशा, मैं जाने कौन सी अनजान ताकत सीमा देवी को डरा डरा के मार डालना चाहती है। शायद कुछ नहीं पता चलता ये मुजरिम कौन है। पता मुर्गा। साहू, हाथ चुप गया सर था। फांसी का फंदा अपना गैरों का गला नहीं देखता। माफ कर दीजिए सीमा। फिर वही दूरा, न जाने मेरी बहन ने कौन सा अपराध किया है जिसकी ये सजा मिल रही है। मेरा ख्याल है आप आराम। बिजली चमकी बिजली रानी। आई गा हट में लिया। हड्डी पसली एक कर दी मेरी। अरे झूठ क्यों बोल रही जालिम, तेरे बदन में तो हड्डी है ही नहीं। दिखाना। हाय हाय, हट में लिया। कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ, अब आ गया तो बातें बनाने लगा। अरे तू नहीं जानती बिजली रानी, तेरे इस प्यार की बिजली ने इस बादल को बरसाती उल्लू बना दिया है। सोते जागते उठते बैठते मुर्गा काटते तेरी शक्ल दिखाई देती। चल हट में लिया। आज क्या पूरी भाजी बेच दी? क्यों, कुछ चाहिए था? अरे मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। मेरे लिए तो तू पूरी भाजी की टोकरी है टोकरी। ए देख, लौकी जैसी गर्दन, टमाटर जैसे गाल, नींबू जैसी आंख, और जब तू हंसती है तो करेले के सब बीज दिखाई देते हैं। अरे चल हट। क्या गवार की फल्ली की तरह लचक रही है सबके। बातें बनाते रहेगा या मेरे भी कुछ सुनेगा? हाँ तो बोल बोल बोल। जब तू बोलती है तो मटर के दाने की तरह झड़ते हैं। मटर के दाने। बाबा मैं चल। मटर के दाने की तरह। आई, अरे रुक जाओ जाने वाली, रुक जा। कहाँ चली रानी, अभी तो शुरू की मैंने अपनी कहानी। आज तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे तो पहले दिमाग कब ठिकाने था? अरे तू बिल्कुल ठीक कहती, आज तो मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने नहीं है। घर में नया मेहमान जो आया हुआ है। मेहमान?
लड़की है? लड़का है। कैसा है? घबरा मत, मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। कहाँ से आया? लंदन से, लंदन से बंबई आया, बंबई से यहाँ आया मेरी मुसीबत बढ़ाने के लिए। अगर सीमा दीदी का मंगेतर नहीं होता ना तो भाई की अभी छुट्टी कर देता। लेकिन 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 क्या? मुझे जाना है उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। फिर कब मिलोगे? क्या गोभी के फूल की तरह हंस रही है। वो फंसा मुर्गा वही है क्या? बिल्कुल वही है। शायद प्यार की बातें हो रही है। क्या है राधा? आज तुम्हारा नाश्ता? अरे अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ तो उसका नाश्ता कहाँ से होगा? है चल चल जा नाश्ता बना। तू बिल्कुल ठीक है ना? आज क्या है? अच्छे मौके पर आया। आज मेरा जन्मदिन है। मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन आपको शक किस पर है? कुछ पता नहीं, अब तो अपने आप पे आता है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने एक डूबने वाले को बचा लिया। एक दिन सहारे को सहारा मिल गया। दिन से लगा हुआ है। क्या है इस कमरे में? आज बस्ती के सारे लोग और मेरी सहेलियां यहाँ आने वाली हैं। आप भी जल्दी आ जाइएगा, बड़ी खुशी का मौका है। बड़े खौफनाक होते हैं। जानता हूं। बच के रहिएगा। तो ठीक है। शायद आप भूल गए आज सीमा दीदी का जन्मदिन है। ये भी जानता हूं। नए साथी
नई महफिल नई दुनिया नजर में है, नए साथी नई महफिल नई दुनिया नजर में है, उधर जुल्फें महकती है इधर चेहरा नजर में है, मस्ती है निगाहों में ठठरी है बाहों में होंठों पे हंसी, सुनो हे अनजान है कोई नादान है कोई, आया हूँ मैं दूर से क्या कहूँ हुजूर से मैं हूँ अजनबी, सुनो सुनो शर्मा के बैठा है कोई लहरा के चलता है, कोई शर्मा के बैठा है कोई लहरा के चलता है, इशारों ही इशारों में कोई किस्मत बदलता है, नाचो गाओ झूम लो दिल से दिल को चूम लो ये है जिंदगी, सुनो हे अनजान है कोई नादान है कोई, आया हूँ मैं दूर से क्या कहूँ हुजूर से मैं हूँ अजनबी, सुनो मोहब्बत बन के छाया हूँ ख्यालों में समाया हूँ, मोहब्बत बन के छाया हूँ ख्यालों में समाया हूँ, मुझे देखो धड़कते दिल का तोहफा लेके आया हूँ, क्या हसीन रात है आज मेरे साथ है दुनिया की खुशी, सुनो सुनो अनजान है कोई नादान है कोई, आया हूँ मैं दूर से क्या कहूँ हुजूर से मैं हूँ अजनबी, आया हूँ मैं दूर से क्या कहूँ हुजूर से मैं हूँ अजनबी, सुनो सुनो नादान है कोई अनजान है कोई, नादान है कोई अनजान है कोई, नादान है कोई अनजान है कोई नादान है। मुबारक हो। मुबारक मुझे, शायद आप भूल रहे हैं जन्मदिन दीदी का है मेरा नहीं। मैं आपको जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ, वाकई आप बहुत अच्छा नाचते हैं। शुक्रिया। कितनी अजीब बात है, ये छुरी कहाँ कहाँ काम में आती है, जब किसी की जान लेनी हो तो ये छुरी और जब किसी को जिंदगी देनी हो तो ये छुरी। लीजिए मत, इसी छुरी से ही आप भी अपने 20वें साल में कदम रखिए। तुम भी कभी कभी बहुत बैठी बैठी बातें करने लगते हो, ये खुशी का मौका है, इस वक्त मौत का जिक्र क्यों छेड़ना चाहिए। बिल्कुल छठे साहब, बिल्कुल छठे, मौत तो साहब एक बहुत पुरानी कहानी है साहब, जो हर एक की जिंदगी में एक नई सूरत लेकर आती है साहब। दीदी जी आप भी एक खून कर दीजिए। मेरा मतलब है साहब केक का, दीदी जी केक का खून कर दीजिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Seema, happy birthday to you. क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा था कि आप कितनी खुश हैं। वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है बल्कि इसलिए कि आज तुम मेरे साथ हो। यह खुशी भी किसी किस्मत वाले को ही नसीब होती है। संध्या दिखाई नहीं देती, मैं भी उसे देखाता हूँ। Thank you.
हुआ आनंद बाबू? आपके चेहरे पर घबराहट और परेशानी? कुछ नहीं, आप कहाँ चली गई? मैं कपड़े बदलने गई थी आनंद बाबू। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। तुम तो जानते हो मैं अपने पैरों की वजह से मजबूर हूँ, इसलिए आनंद बाबू को घुमा फिरा के नहीं सकती। लेकिन इसकी जरूरत भी तो नहीं। यहाँ की पहाड़ियों के मंजर बहुत खूबसूरत है समझा, तुम इनका पूरा पूरा ख्याल रखना। लेकिन सुनो, इन खूबसूरत मंजर में कहीं खुद मत खो जाना। क्या कर रहे हैं आनंद बाबू? शायद आप नहीं जानते। क्या नहीं जानता? सूरज को नींद में चलने की आदत है, ये इस वक्त अपने होश में नहीं। न जाने ये बीमारी एक दिन अपनी या किसी की जान लेकर ही रहेगी। लेकिन इसका इलाज क्या है? कुछ भी नहीं। इस तरह रात में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप यहाँ की बातों से अभी तक अनजान है, आपकी जिंदगी पर किसी वक्त ही खतरा हो सकता है। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हवेली की देखभाल। आप जाइए आराम कीजिए। रात गए यहाँ क्यों आए? बरसने के लिए। ठीक ठीक बताओ। अरे साहब पहले दूध पी के सेट तो बनाओ, सब कुछ बता दूंगा सब कुछ। दूध नहीं चाहिए, पहले बताओ। सुनो साहब, जब रात काली हो, हवेली खाली हो, सूरज ढलता हो और साबुन निकलता हो, संध्या सोती हो, सीमा रोती हो, हर तरफ अंधेरा हो, रूहों का फेरा हो, साए पड़ते जाएंगे, इंसान मरते जाएंगे, मकान भेद बताएगा और दूर पपीहा गाएगा, नादान है कोई, अनजान है कोई। ये क्या बकवास? अरे साहब मैं तो बर्बाद जवानी की कहानी सुना रहा था। कहानी सुना रहे थे या मेरा गला घोट रहे थे? नहीं साहब, लेकिन साहब यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो पापा उनको चले जाता हूँ साहब, मैं जाता हूँ। लेकिन तो चले यहाँ पे ऐसे होता है साहब, आप दूध पी लीजिए। दूध उठा चाहिए, तुम ले जाओ। अच्छा साहब, ऐसा लगता है किसी ने छोटे से नींबू के खटाक से दो टुकड़े कर दिए हो। हाँ, मेरी। आई गॉट इट।
सब देखो भाजी तरकारी की बात करता रहता है। अरे तू भी तो कुछ बताती नहीं, आखिर मैं करूँ क्या, खड़ी की है, बैठ जा बैठ जा। अरे हट, मैं तो सिर्फ ये जाने आई थी कि तुम्हारे नए मेहमान का क्या हाल है। ओ फंसा मुर्गा, अरे अभी अभी तो बेचारा आया है, खोख मुर्गे की तरह डर के बैठा हुआ है, एक बार छुरी की धार के नीचे आ जाए फिर हाल पूछना, अभी तो अपना हाल बेहाल है। अरे हट मेलिया। अरे बिजली रानी, कब तक इस दिल को हरी मिर्ची की तरह जलाती रहोगी, कभी तो मेहरबानी कर। फिर वही भाजी तरकारी वाली बात, दोबारा ऐसी बातें करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ अरे तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे धक्का देके बाहर निकाल दूंगा। हाँ क्या? अरे समझी नहीं, समझी नहीं, सामने देखो काला बैगन आ रहा है। मेहमान का अच्छी तरह ख्याल रखना, जंगल का रास्ता बड़ा खतरनाक है। जी माल, ये भी कुछ कहने की बात है। सुनो संध्या, जल्दी लौट आना, रात के अंधेरे में कहीं खो मत जाना। सूरज की रोशनी में कहीं कोई गुम हो सकता है। दीदी मुझे मंदिर जाना है, मैं इनके साथ चला जाता हूँ। संभाल कर चलाइएगा, मैं अपना रास्ता खुद बाजार समझता हूँ। जरा इधर भी तो पलट के देखो। कद्दू कद्दू फंसा मुर्गा। अरे मुर्गा तो रोज ही फंसाते हो बादल साहब, आज तो ओ, मुझे शिमा दीदी को शायद देनी है मुरली साहब। जल्दी जाइए बादल साहब। कान खोल के सुन ले बिजली, सब्जी लाया कर तो अच्छी लाया कर। नहीं सर। तुला क्या नहीं बोलना, तुला क्या नहीं बोलना, सड़े गले टमाटर लेके आ जाती है, जिम्मे आता किसी के मुंह में फेंक दू। चल जा बिजली। आप कहाँ चली थी? जी हमसे तो प्रेम की बात नहीं करेंगी आप? अरे जाता जाके दीदी से बात कर। अच्छा। चल उठा। हाँ जी उठा। हाँ जी। नमस्ते जी। मैं गाड़ी गर्म हो गई है। अनिल बाबू आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन सामने से मुझे किस तरह पानी मिलेगा। कहाँ गई? सूरज ले गया। लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे मंदिर जाना था। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? पुजारी जो आपके साथ है। ये बात है, चलिए। रुक क्यों गए? चलो ना। बात पूछो संध्या।
समझ में नहीं आता, आंखें जो देख रही हैं उसको दिल पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है? यकीन तो ना आंखों पर करना चाहिए ना दिल पर। ठीक कहा तुमने, लेकिन अगर इंसान के सीने में दिल ना हो तो उसमें और पत्थर की मूर्ति में क्या फर्क रह जाता है? कैसी पसंद आई आपको? बहुत खूबसूरत है, यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। शाम देखो ढल रही है, शाम देखो ढल रही है, पंछी देखो जा रहे हैं, तू भी चल मेरे संग ओ जीवन साथी। शाम देखो ढल रही है, ये नील कमल सी आंखें हैं काजल बिन कजरारी, हाय लास बोझल पलके ये सुंदर प्यारी प्यारी, ये सुंदर प्यारी प्यारी, तू भी चल मेरे संग ओ जीवन साथी। शाम देखो ढल रही है, thank you.
जानता हूं तुम नाराज हो, सीमा ने तुम्हें डांटा है, लेकिन लेकिन तुम्हें सीमा की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। शहजादी मेरे ख्वाबों की, आशिक हूँ मर जाऊंगा जालिम, रुक जा जरा। महबूबा दिल वालों की, शहजादी मेरे ख्वाबों की, आशिक हूँ मर जाऊंगा जालिम, रुक जा जरा। कैसे
रोकूं अपने ख्यालों को। हाले दिल जरा सुनती जा, पल दो पल गले मिलती जा, आशिक हूँ मर जाऊंगा जालिम। रुक जा जरा महबूबा, दिल वालों की शहजादी फिर ख्वाबों की, आशिक हूँ मर जाऊंगा जालिम। रुक जा जरा पीछे चलता रहूंगा प्यार की राहों में, मुझको एक दिन आना पड़ेगा मेरी बाहों में। मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा प्यार की राहों में, मुझको एक दिन आना पड़ेगा मेरी बाहों में। जाने मन दीवानी न बन, इतनी तू बेगानी न बन, आशिक हूँ मर जाऊंगा जालिम। रुक जा महबूबा, दिल वालों की शहजादी फिर ख्वाबों की, आशिक हूँ मर जाऊंगा सालिम। रुक जा जरा बदल के, जब तुम मेरा दिल तोड़ने लगती है, मेरे लहू में प्यार की गर्मी दौड़ने लगती है। नजर बदल के, जब तुम मेरा दिल तोड़ने लगती है, मेरे लहू में प्यार की गर्मी दौड़ने लगती है। दुनिया की मुझे क्या परवाह, कुछ भी हो अब सोच लिया, आशिक हूँ मर जाऊंगा जालिम। रुक जा शहजादी फिर ख्वाबों की, आशिक हूँ मर जाऊंगा जालिम। रुक जा जरा जवाब दो, वरना मैं तुम्हारा कलर भूल दूंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं और तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें खंडर में देखा है, कॉटेज में मरते देखा है, सीमा की पार्टी पे देखा है। तुम हमेशा मेरे लिए पहली बनी रही हो। बताओ बताओ, मेरा पीछा क्यों कर दी रहती हो? बताओ। ये बेचारी क्या जवाब देगी बाबू साहब, ये तो गूंगी है। झूठ, मैंने इसे खुद बोलते देखा है। मगर तुम कौन हो? मैं इस बदनसीब का बाप। चलो बेटी, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, तुम वही गोली हो ना जिसने स्टेशन पर मेरा सामान उठाया था, और अब अपने साथ इस बेचारी की जिंदगी का बोझ उठा रहा हूँ। रजनी पागलों की तरह जंगलों में भटक कर न जाने किसे तलाश करती रहती, और मैं इसके पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ। भगवान ने औलाद तो दी है, मगर औलाद का सुख नहीं दिया। चलो बेटी चलो।
कहां चली गई थी? मैं तुम्हें आवाज देता रहा, क्या की हो तुम नहीं मिली तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। सच बता संध्या, तुम से नाराज थी। एक मजबूर अपाहिज और लाचार जी जो तुम्हारे प्यार की आग में जल रही है। आनंद, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे नफरत और संध्या से प्यार करते हो। क्या तुम ये भूल गए कि मैं मरना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दी। इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, तुम रोशनी बनकर आए। मेरे पास सिर्फ गम ही गम थे लेकिन तुमने मुझे मुस्कुराहट दी। छीन लो ये मुस्कुराहट और चलने दो मुझे प्यार की आग में। शिवा, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। जो तुम समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है शिवा। काश कि ऐसा ही होता, लेकिन तूफान गुजर गया, आग बुझ गई। अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, अरे कभी नहीं आऊंगी। किसी ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। मैं जा रही हूं। कहां? तुम्हारे और सीमा दीदी के रास्ते से दूर, बहुत दूर। ये क्या पागलपन है? नहीं, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो। सीमा दीदी मुझ पर इल्जाम लगाए और हवेली का एक एक आदमी मुझे शक की नजरों से देखे। घबरा गई? सुनो, अब वक्त आ गया है कि मस्ती मुजरिम के चेहरे से निकाब हटा दूं और ये बता दूं कि कौन क्या है। चल मेरे घर चल। दरवाजा बंद कर दो। इस टेबल पर से कोई उठने की कोशिश न करे। आज मैं आप लोगों के सामने उस हस्ती को पेश करना चाहता हूं जिसका दूसरा नाम कातिल है। वही हस्ती जिसने आज तक कई बार सीमा देवी की जान लेने की कोशिश की है, हम लोगों के सामने इस वक्त मौजूद है। कौन है वो? अरे बाबू जल्दी बताइए वो कौन है। सिर्फ एक मिनट का इंतजार कीजिए। सीधी सी बात है साहब, उस हस्ती से मुलाकात के लिए साहब इस जन्म में तो क्या, मैं तो उस जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। पर साहब ऐसा है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ साहब, मेरे को प्लीज जल्दी से बताइए। माफ कीजिए साहब, मैं घबराहट में अंग्रेजी में बोल जाता हूँ साहब, आई एम सॉरी। आनंद बाबू, पहलिया क्यों बुझाते हो? अगर आपको मालूम है कि वो हस्ती यहाँ मौजूद है तो आप बताते क्यों नहीं? कौन है? कौन है? आप डॉक्टर प्रकाश? आप है वो? क्यों पसीना क्यों आ गया आपको? आपके चेहरे की रंगत क्यों बदल गई? आपका मतलब है मैं? जी हाँ आप। मैंने पूरी छानबीन के बाद पता चला है कि मरहूम ठाकुर रंजीत सिंह के आप जिगरी दोस्त थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी खानदान की सेवा में गुजार दी, लेकिन ठाकुर साहब की मौत के बाद जब उनकी वसीयत पड़ी गई तो आपके नाम एक फूटी कड़ी न थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी एक दूसरी बेटी सीमा के नाम कर दी। इस बदले के लिए, इस इंतकाम के लिए, इस जायदाद के लिए आपने सीमा देवी को अपना शिकार बनाना चाहा, और वो भी इस तरह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, सीमा का कत्ल भी हो जाए और आप पर इल्जाम न आए। आपने चार चलिए डॉक्टर साहब,
आपने गहरी चाल जानी है। चाल? जी हाँ, बड़ी खूबसूरत चाल। स्टेशन के नजदीक रहने वाले कूली की गूंगी भतीजी को आपने मेरे पीछे लगा दिया, क्योंकि आप जानते थे कि मैं भी आपके रास्ते का कांटा हूं। अगर सीमा देवी की शादी मुझसे हो जाती है तो आपके बदले की हवस अधूरी रह जाती। वो लड़की मेरे दिलो दिमाग में छा चुकी थी, एक रूह की तरह, एक आत्मा की तरह, और मुमकिन था कि मैं इस दहशत से घबरा के यहां से भाग जाता, वापस चला जाता। लेकिन आज आपकी हस्ती खुल गई है, आज आप बेनकाब हो चुके हैं डॉक्टर प्रकाश, क्योंकि स्टेशन के कैबिन में जब आप उस पुलिस को रिश्वत दे रहे थे, मैं उस कैबिन के पिछली खिड़की से सब कुछ देख रहा था। आप वहां मौजूद थे आनंद बाबू? जी हाँ, और मैंने अपनी आंखों से आपको उस कुली के सामने रुपयों का बटवा फेंकते हुए देखा है। आप खूनी हैं डॉक्टर साहब, मुजरिम हैं, और अपने जाति फायदे के लिए इस मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं। आपने कहा आपने स्टेशन के उस कैबिन के अंदर उस कुली को रिश्वत देते हुए मुझे देखा है? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यही है वो पर्स। लीजिए, आई से टेक इट, टेक इट। बोलो, मैं कहता हूं खोलो, खोलो। पहचानते हो आनंद बाबू? नहीं पहचान। मैं बताता हूं, यह आनंद की तस्वीर है, उस आनंद की जिसकी सीमा के साथ शादी होने वाली थी, जो इनके मंगेतर थे। तुम वो नहीं हो, तो फिर शायद तुम वो हो जिसकी हम सबको तलाश थी। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? तुम वो नहीं, तो फिर शायद तुम वो हो जिसकी हम सबको तलाश थी। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम? गाड़ी में किसी ने उसका खून कर डाला। जो आप मुझे समझ रही थी, और उस वक्त मैं किसी और से प्यार करने लगा था। मान लिया जाए ये सब कुछ हकीकत, फिर तुम यहां क्यों आए? मैं जानता था कि यहां आनंद को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए अपने चेहरे पर आनंद की निकाब चढ़ा दी। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, बल्कि इस निकाब की आड़ में उस खूनी तक पहुंचना चाहता था जिसने मेरे जिंदगी के बेहतरीन दोस्त को बेरहमी से कत्ल कर डाला। मुझे अफसोस है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सका। इसलिए मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकूंगा, कभी नहीं माफ कर सकूंगा।
खुदा कसम ये हवेली वीरान हो जाएगी, काले भूतों का राज होगा और मैं यतीम हो जाऊंगा। जाने से पहले कम से कम बादल बिजली का टकराव तो करवाते जाओ, वरना आलू मटर गोभी आप साहब हम धोबी एक ही भाव में बिक जाएंगे। मैं मजबूर हूँ बादल। तुम्हारी मजबूरी किसी की जिंदगी से खेल जाए तो मुझे समझने की कोशिश करो। औरत के आंसू पूरी कहानी सुना देते हैं प्रभात बाबू, और कमाल है बड़े बड़े ऋषि मुनि भी औरत की बात को नहीं टाल सके, और मैंने भी पूरी पूरी बात औरत की नहीं टाली, आप भी मत टालिए। मुझे और कुछ नहीं कहना, एक बार सीमा दीदी के लगाए हुए इल्जाम को मिटा दो फिर चले जाना, मैं तुम्हें हरगिज नहीं रोकूंगी। जैसे आपकी मर्जी। अपना सब कुछ एक दिन घर कर देगा खाली, वो बेच के अपना सब कुछ एक दिन घर कर देगा खाली। फिर न मिलेगा मटका तुझको और ना लोटा थाली, वो याद आएगी उस दिन नानी। ना मिलेगा जिस दिन पानी, खुल जाएंगी आंखें तेरी लगेगा ऐसा चक्का। बेटा खेल मत मटका, ओ बेटा खेल मत मटका। आलू की तरकारी बनेगी और बैंगन का भरता, आलू की तरकारी बनेगी और बैंगन का भरता। तू भी सीख ले इसको तारे अब काहे को डरता। बन जाएगी किस्मत तेरी, मिट जाएगी रेडा तेरी, काम में जो फंसा है आखिर में वो लटका। बेटा खेल मत मटका, ओ बेटा खेल मत मटका।
सकता रेस जैक पॉट खेलो मिले मौत की खाड़ी, हो सकता रेस जैक पॉट खेलो मिले मौत की खाड़ी। इन डंडों से उलट गई है बड़े बड़ों के दाढ़े, इस बात को ध्यान में धर ले, कुछ अच्छे काम तू कर ले, फाड़ ले अपने दिल का मेला, मार ले इस पे कट का बेटा, खेल मत मटका, ओ बेटा खेल मत मटका, मटके में जो दिल अटका तो पड़ जाएगा पटका, बेटा खेल मत मटका, ओ बेटा खेल मत मटका, ओ साहब को देखा है अपने कंधे पर किसी आदमी को उठाए हवेली की तरफ जा रहे थे। हवेली की तरफ? जी हाँ, मेरे ख्याल में वो किसी की लाश थी। लाश? जी लाश। देखो
मैंने अभी अभी डॉक्टर के लेवल पे से कुछ शोर सुना था। शोर भी? सुन लिया ना तो मेरी पूरी भाजी बन जाएगी। मगर बात क्या है, तू इस तरह घबराए हुए क्यों हो? और ये सामान दिमाग क्यों, नौकरी से छुट्टी मिल गई क्या? अरे छुट्टी मिली तो नहीं, लेकिन यहाँ रहा ना तो एक न एक दिन मेरी वेजिटेरियन बिरयानी बन जाएगी। सच पूछो बिजली रानी तो मैं तुम्हारे प्यार में मर सकता हूँ, लेकिन यहाँ रहकर बेकार में नहीं। तो तू डर के भाग रहे थे मेरिया? अरे भागू नहीं तो क्या यहाँ पर डॉगर मूली की तरह कट जाऊँ? पता नहीं कौन से दरवाजे थे, कौन से खिड़की थे, कौन से छत से मां छुरी की तरह झांक रही है इस मुर्गे को। बिल्ली है। अच्छा बिल्ली अब मैं चलूं? मुझे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा मेलिया? फंसा मुर्गा, मैं तुम्हें इतना गुजर नहीं समझते थे। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम्हें किस पर शक है? मुझे तो तुम पे शक हो रहा है, तुम मुझे यहाँ रोककर मेरा खून करवाना चाहती हो। क्या मतलब? मैं तुम्हारा नहीं मानना चाहता। अरे पागल ना बनो, मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब को भी किसी ने खून कर दिया था। अरे तुम्हें भी किसी पर शक होगा, कौन हो सकता है खुनी? सच बताओ? कद्दू। कद्दू? हाँ हाँ, सीधा साधा मुरली, मेम साहब कहने वाला। मुझे लगता है डॉक्टर साहब की मुरली ने बजा दी है। लेकिन सुनो, तुम किसी से कहना मत, वैसे वो बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा वो आ रहा है। कौन कौन कौन? कहाँ चले बादल शाह? तो बिस्तर समेत बिजली को लेकर भाग रहे हो क्यों? आप आप समझे नहीं मुरली साहब, बात दरअसल ये है कि बिस्तर में खटमल हो गए थे, मैं उनको शेयर करा रहा हूँ। अरे ये झूठ बोल रहा है मुरली साहब, ये सचमुच भाग रहा था, कह रहा था। क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि आप लोगों की सेवा चाकरी छोड़ के भला कैसे भाग सकता हूँ। बात ये है कि मेलिया कह रहा था कि आपकी डॉक्टर का खून किया। अरे क्या खून किया? अरे क्यों तारा सिंह बोलते हो याद कर तू? ओ फंसा मुर्गा, मैं तो मजाक कर रहा था मुरली भैया। बात दरअसल ये है, ये औरत बात है ना, सच को झूठ समझ लेती है, झूठ को सच। ऐसे क्या? लेकिन मैं सच कहने आया हूँ बादल साहब। वो क्या? आनंद बाबू और डॉक्टर साहब के खून के बाद हम सबके लिए खतरा हो गया है, और हमारी हिफाजत के लिए हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुरली साहब, इस मेलिया के लिए मैं जिंदगी भर साथ दे सकती हूँ। फंसा मुर्गा, फंसा मुर्गा। सीमा, आखिर इस तरह कब तक रोती रहोगी? जब तक आंखें काट देंगे। जो होना था सो हो गया, अब रोने से क्या फायदा? सब कुछ यार तो किस्मत ने छीन ली, पहले प्यार करने वाले पिताजी को छीन लिया, और अब पिता समान डॉक्टर को भी बेदर्दी से मार डाला। न जाने क्या होने वाला है इस समय में। दीदी आपसे गांव के कुछ लोग मिलना चाहता है। मैं इस वक्त कैसे तुम्हें मिलना चाहती? बुरी बात है, बेचारे गांव से आए, आपको सुन लो ये क्या कहना चाहते हैं। सीमा देवी, रंग पंचमी का त्योहार है, हम गांव वाले आपको दावत देने आए। मैं इस बार नहीं आ सकूंगी। साल में एक ही बार तो इसका मौका आता है दीदी, गांव के सारे लोग खुशियां मनाते हैं, आप ना सही तो कम से कम प्रभात बाबू से कह दीजिए वो चले जाए। हाँ ये जरूर आएंगे।
Thank you.
सीमा सीमा मिलकर आए हो और मुरली भी सामने था, तुमने जरूर सपना देखा है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मालकिन, प्रभात बाबू
और मेरी भाजी वाली। क्या? हाँ, ये दोनों बैठकर पहली धार की सच्चा माल पी रहे हैं। ये क्या बकते हो? मैं बकता नहीं हूँ मालकिन, आप खुद ही जाके देख लो। फसा मुर्गा मालकिन, करके देखते हैं। जानती थी कि तुम इतने गिर जाओगे। मैंने क्या कसूर गया? इस तरह शराब पीकर
एक मामूली औरत के गले में बाहें डालकर नाचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए कि तुम भाजी वाली के साथ शराब पीकर मस्ती में नाच रहे थे, रोमांस कर रहे थे। तीर निशाने पे लगा। सुनो संध्या, वो तो एक नाटक था। मैंने बहुत कोशिश की कि सीमा किसी तरह खड़ी हो जाए, और मैं सबको ये बता दूं कि वो लंबी नहीं। फिर क्या, मैं नाकाम रहा। तुम इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। चलो बर्बाद, यहाँ से कहीं भाग चले। भागना बहुत सही है। आज की रात मेरे इम्तिहान की रात है। ऐसा करो, तुम चली जाओ। मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में ना दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना हरगिज नहीं जाऊंगी। आगे बढ़ चुका,
पीछे नहीं आ सकता। अब तो सिर्फ इतनी ही तमन्ना रह गई है कि मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में बलिदान कर दूं। आगे बढ़ने की कोशिश न करना। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून? कितना कमजोर लफ्ज है ये। तुम्हारी हुकूमत जिसे बनाती है उसे मैं बिगाड़ता हूं। तुम्हारा कानून बुजदिल मजबूर और बेबसों के लिए। मुजरिम तुम भी हो और मैं भी। तुमने अपने दोस्त आनंद का फोन करके उसकी दाद पर कब्जा करने कहा और ये दुरुस्त है। तुमने आनंद का फोन करके मेरी मुश्किलें और परेशानियों को हल कर दी। सूरज, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मेरी रिवॉल्वर पर है। सबात, ये बच्चों के खेलने की रिवॉल्वर सूरज की जिंदगी से नहीं खेल सकती। कर लिया अपने अरमान पूरे। इस खंजर ने कितने ही इंसानों के खून से अपनी प्यास को बुझाई, लेकिन कभी कभी इसकी धार को तेज करने के लिए तुम जैसे इंसानों के खून की जरूरत भी पड़ती है। बेचारा डॉक्टर प्रकाश बहुत सारे राज जान चुका था, लेकिन इस खंजर को डॉक्टर प्रकाश की मौत पर जरा भी रहम ना आए। और वो पुलिस वो भी इसी खंजर का शिकार हो गए। वही डाकू जिसने पिताजी जान ले ली, पर आज तक मैंने अपनी जबान बंद रखी, लेकिन आज तक अपनी जबान बंद नहीं रहूंगी। तुमने मुझे कठपुतली की तरह लुटाया और मैं नाचती रही। आज तुम्हारी झूठी मोहब्बत का राज खुल चुका सूरज। तुम्हें मेरे पिता की खातिर हो, तुम्हें मेरे पिता की खातिर हो। रजनी, तुम्हें मेरे पिता की खातिर हो। रजनी, इस पर खून सवार है मेरे सर पर। मैं अपने और पराये को नहीं देखूंगा। तू इंसान नहीं, भेड़िया है, कातिल है, खूनी है। खूनी सवार कि असली मुजरिम कौन। तुम तो चल सकती हो। सिर्फ चल नहीं, दौड़ भी सकती हो। तुम तो लंगड़ी थी दुनिया की नजर में। जीप के एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर प्रकाश ने मुझे मशवरा किया कि मैं अपाहिज रहूं। क्यों? ताकि मुरली हमेशा मेरे साथ रहे और तुम लोगों का हाथ मेरी गर्दन तक न पहुंच सके। नमक हराम साबू, मैं नहीं जानती थी कि मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मुझसे ही खत्तारी करेगा। साबू फुजूल बात बर्बाद मत करो। और सीन के सांप, गंदी नाली के कीड़े, क्या यही है तेरा सिरू? बकवास बंद करो। Are
दीवाने के कपड़े, पागल के कपड़े। प्रभात बाबू, आप और यहाँ से? हाँ, मुजरिम इसी रास्ते का फायदा उठा रहा था। भाजी वाली पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इस वक्त सीमा और संध्या की जान खतरे में है, आप फौरन इस हवेली को घेर लीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। इसी सोने की चमक ने तुम्हें अंधा बना दिया। समो, तुम गद्दार हो। गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम। तुमने अपनी बहन सीमा के साथ गद्दारी की। मैं तुम्हें खिलौना समझकर नाइट वॉकर के रूप में पेश करता रहा। तुम मेरे इशारे पर नाचते, इसलिए कि तुम्हें मालूम था कि सवेरी की तहखाने में डाकू बलबीर सिंह का लुटा हुआ खजाना छुपा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम था कि वो कहां है। लेकिन तब तुम कानून से बच के नहीं भाग सकते। कानून? कितना कमजोर लफ्ज है ये। यही कहा था ना तुम? जानते हो इस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या जतन किए? पहले इस हवेली को बदनाम किया कि इसमें आवारा रूहें भटकती हैं, ताकि कोई इसे खरीद न सके। और जब सीमा के पिता ने इसे खरीद लिया तो मुझे मजबूरन यहां नौकरी करनी पड़ी। देखा, यह है बलबीर जिसके लिए मैंने जेल काटी, और एक दिन बलबीर को मैंने जेल में हमेशा हमेशा के लिए सोला। अब मैं जा रहा हूं। हिंदुस्तान से दूर, बहुत दूर, जहां दौलत हमारी कदम चूमे। देखा, ये है टाइम बॉम्ब। डेढ़ मिनट के बाद इस हवेली के अंदर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। पर हाथ उठाना अपनी तोहीन समझता हूं। जा सकती। छोड़ दो साबू, मुझे भी छोड़ दो साबू, मुझे भी छोड़ दो साबू, मुझे भी छोड़ दो। सीमा, तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि आनंद का कातिल प्रभात, अब तुम जा सकती हो। छोड़ दो साबू, मुझे भी छोड़ दो साबू, छोड़ दो साबू, छोड़ दो, छोड़ दो साबू, साबू साबू छोड़ दो मुझे।
आने वाली घरवाली सारी जिंदगी रोती रहे।